हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बज रहे हैं शाम के शायद 7 बज रहे हैं, शायद मतलब 7 ही बज रहे होंगे। तो मैं बाहर का पहले दिखा दूँ, बाहर हो रही है धीमी धीमी सी बारिश और इस धीमी धीमी बारिश में ही बच्चे खेल रहे हैं। धीमी मतलब बिल्कुल बंद हो चुकी है, बट सुबह से बारिश हो रही थी और अभी लोग निकल रहे हैं क्योंकि बारिश बंद हो गई है। बस एक दो ऐसे टिप टिप सा हो रहा है। एनीवेज, मौसम की जानकारी करते हैं। बंद बज गए हैं शाम के 7 और मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ अभी। कल मैंने ब्लॉग नहीं किया था और बस एक दो क्लिप मैंने बस मोबाइल में जो रिकॉर्ड किया था वही पोस्ट कर दिया। तो मैं अभी जा रही हूँ अपना योगा करने। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे, मैं जनरली क्या करती हूँ कि थोड़ा लेट से करती थी, 8:30 अपना काम फिनिश करके उस समय हल्का फुल्का वर्कआउट कर लिया। और मैं थोड़ा सा ना इस मामले में थोड़ी आलसी हूँ, मुझे ना बहुत पुश करना पड़ता है खुद को वर्कआउट के लिए। बट अभी 2-3 दिनों से मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद को ज़बरदस्ती करवा रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ ना कि मैं रात का खाना मैंने बना लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो रात का खाना मैंने बना लिया है और मुझे करना था 6 से 7, क्योंकि मीठी सो रही थी, मैंने सोचा उसके उठने से पहले ही कर लूँ। बट मैंने देखा कि वो गलत टाइम पे उठ गई, मेरे चाय के टाइम पे ही। फिर एक कॉल आ गया जिसकी वजह से लेट हो गया। अदरवाइज मैंने खाना मतलब कि सिर्फ सब्जी बनाया है। 5 बजे ही मैंने अपना सब्जी बना लिया ताकि थोड़ा अपने लिए खुद के लिए टाइम निकाल सकूं। तो एक्चुअली क्या है कि अभी मैं योगा करूँगी, उसके बाद मुझे एक हॉल वीडियो शूट करना है, मैं वो करूँगी। फिर थोड़ा सा वॉक पे मैं अभी रोज़ मिठी को ले जाती हूँ, थोड़ा ज़रूरी है बच्चों को भी बाहर का एनवायरनमेंट दिखाना। इस लॉकडाउन हो रही है कि चलते ना बिल्कुल कहीं ना किसी के घर जा सकते हैं, ना कहीं बाहर घूम सकते हैं। फिर भी मैं तो कहीं कहीं जा रही हूँ क्योंकि सिचुएशन अब जो है वो नॉर्मल होते जा रहे हैं। बट नॉर्मल डर तो है ही, क्योंकि केसेस तो ग्राफ अप डाउन होता ही रहता है, तो डर तो लगा ही रहता है। खास करके अभी तक मैंने वैक्सीन नहीं लिया है और छोटा बेबी है, इसलिए थोड़ा डर तो लगता है। बट आप मेरे ब्लॉग अगर देख रहे हो तो आपको पता है कि मैं कहीं कहीं हल्का फुल्का फैमिली के साथ कहीं कहीं जाती हूँ। तो एनीवेज, तो फिर मैं दिखाने वाली थी आपको सब्जी, मैं भूल गई। ये मैंने यह बना लिया है आलू की सब्जी, बहुत सिंपल सी आलू की सब्जी है। और इसके साथ मैंने गूंथ लिया है आटा, ये रहा। और जैन बोला है पराठे खाएंगे, मेरा मन था पूड़ी, क्योंकि इस आलू के साथ पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है और मैं पूड़ी के लिए पागल रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद। शादी के पहले मैं हर ऑल्टरनेट डे पे पूड़ी वगैरह, मुझे फ्राइड बहुत पसंद था। बस शादी के बाद ऐसे ही अच्छी बात है कि आपका लाइफ पार्टनर अगर थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक बोल सकते हैं, क्योंकि वो रेगुलर, मैं उनको देख के इंस्पायर्ड होती हूँ कि पहले वो क्या था ना कि जिम जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, तो मुझे मतलब मैं नहीं, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे। बट कोविड और ये लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया ना कि सारी चीज़ें घर पे, तो वो अब घर पे ये वर्कआउट करते हैं, तो उनको देखकर मुझे भी मन करता है कि मैं करूँ। और जो डाइट है वो तो जैसे कि वो बिल्कुल भी फ्राइड और भुना ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, तो इसका जो असर है मेरे पे ही पड़ता है, क्योंकि खुद के लिए अकेले के लिए नहीं हो पाता है। और स्पेशली पूड़ी हो गया, पकौड़े हो गए, ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है उनको। उनको पसंद है कि आप जितना हो सके मैं बॉयल्ड सब्जी बना दूँ, सैलड बना दूँ, ग्रिल्ड चीज़ें बना दूँ, ये उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो खाते खाते ना एक जैसा टेस्ट ऑफ हैबिट हो जाता है। मुझे भी अब यही सारी चीज़ें अच्छी लगती है, बट कभी कभी मन करता है। अब वैसी सब्जी अगर बनी हो ना आलू की, तो उसके साथ में पूड़ियाँ अच्छी लगती है। ये देखिए कहाँ अटकी है, मतलब पूरा जगह है, बट इसे यहीं से निकलना है। निकल गई, तो चलते हैं वर्कआउट के लिए। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ वर्कआउट के बाद, और या फिर जब नीचे वॉक के लिए जाएंगे तब। वो है पीछे जय।
एवरीवन, तो वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, हालत ख़राब हो गई है, क्या करेंगे। तो आज मैंने ज़्यादा देर नहीं किया है, 15 मिनट किया था, और इसी बीच में मिठी एक बार उधर खेलते खेलते गिर गई थी, वो रोने भी लगी थी, तो 15 मिनट का था। बाद बीच में फ्लो टूटने से ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, मिठी गिर गई तो फिर उसके बाद जैन ने बोला एक ग्रीन टी बना के दे दो, तो मैंने फिर ग्रीन टी बनाया। तो आज मैंने ज़्यादा नहीं किया है, बस 15 मिनट किया है, 15-20 मिनट किया है। तो मैं जा रही हूँ नहाने, और नहाने के बाद हाँ सब आ जाएंगे। आ जाओ जी, तुम भी आओ, आओ आओ जल्दी आओ, शक्ल दिखाओ। यस, तो अब मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद जाऊंगी नीचे वॉक के लिए मिठी को लेकर, तो वहाँ मिलते हैं। तो हम लोग दोनों जा रहे हैं नीचे, एक्चुअली मुझे नहाना था लेकिन नहीं नहाई है क्योंकि नीचे भी बहुत उमस सा हो रहा है, गर्मी है, फिर आकर मुझे रोटी बनाना है, तो मैंने सोचा कि ये सब करके मीठी बदमाशी नहीं, तो एक ही बार मैं नहा कर फ्रेश हो जाऊंगी और उसके बाद अपना वीडियो शूट जो भी है वो सब करूँगी। तो ये रही मीठी, चलो मीठी चलते हैं, चलो चलो चलो, आ आ आ रही हूँ भाई, चलो चलो लिफ्ट लो लिफ्ट लो। अरे भाई मैंने बुला लिया है, आ जाओ आ जाओ आओ। अरे ये भी चला गया, क्या हो गया सारे लड़कों को, सबका दिमाग खराब हो गया है क्या। ये एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, पता नहीं एक बार और ऐसे हम लोग बेसमेंट में काफ़ी देर तक खड़े थे, लिफ्ट जो है मतलब खड़ी रहती है, वहीं पर प्रेस करो वो या तो ऊपर चली जाएगी नीचे चला जाएगा, आता ही नहीं, देखो ये आता है तो रुकता है कि नहीं रुकता है। आ गया मीठी आ गया, चलो 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 चलो, पकड़ लो मुझे, पकड़ लो गिर जाएगी। क्या देख रही हो तुम खड़े होके, चलो चले गए लिफ्ट चला गया, चलो यहीं यहीं पे घूमना है। डॉगी देखते ही इसका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, बुला रही है डॉगी को, चला गया डॉगी, चला गया मिठी चला गया। मुझे जाना है इधर और इस मैडम को जाना है उधर, और मैं नहीं चाहती कि ये उधर जाए, बट इसका ले जाने का तरीका ये है कि ये खींच रही है मुझे नीचे की तरफ, बैठ जा रही है। नो मिठी मेरे उधर नहीं जाना है ना, ये मैडम जहाँ जाने का जिद कर रही थी ना उधर, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा अर्थवॉर्म्स और स्नेल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकली हुई है, इसलिए मैं नहीं जाने दे रही थी, बट ये इतनी ज़िद्दी है ना कि हाथ खींचती रहती है, इसे पता है कि कैसे किधर खींच के ले जाना है, जब नहीं काम चला तब लगी रोने, फिर ये गलत बिल्डिंग में जा रही है। इधर चलो, चलो चलो चलो, क्या
ये वही वाला रास्ता है ना जहाँ बार बार जा रही है मिट्टी। मुझे समझ में नहीं आता इसे पूरा, इतना इतना बड़ा सोसाइटी है, इसे ये वाली गली याद रहती, इसे इसमें जाना है। अभी मैं दूसरे मेन रोड से सीधा जा रही थी वापस, और इसने देखा है और फिर लगे खींचने हाथ। मुझे एक सेकंड के लिए समझ में नहीं आया कि हुआ क्या क्यों, तो फिर ये मैंने हाथ छोड़ के देखा कि जाना किधर है, ये इधर ही आ रही थी। मुझे सच में समझ नहीं आती कि इसे आना क्यों है इधर। अब मैं नीचे नहीं उतारना चाह रही क्योंकि बहुत सारे वॉर्म्स वगैरह जो हैं वो नीचे हैं, क्योंकि इस वाले ये में ना पानी थोड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो अब समझ में आया, मिट्टी को फाउंटेन दिख रहा था, दूर से ही दिख रहा था, वहां से दिख रहा था इसे ये। यही आना था तुमको। नहीं 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 नहीं, मिट्टी गिर जाओगी। नहीं, फेस पे नहीं लगाते, पानी उठा उठा के फेस पे लगा रही है। नो, टच कर लिया, इनफ है। हाँ, एक्चुअली जब पहले खुशी थी ना यहाँ पर, तो हम लोग इस जगह पे आके बैठा करते थे। अभी जहाँ बैठी हूँ और ये मिट्टी की मस्ती चल रही है, तो ये इधर खींच के पता नहीं 10 चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है। या तो इसे दूर से फाउंटेन दिख रहा था, या फिर इसे याद है क्योंकि हम लोग रोज आते थे और रोज यहाँ बैठते थे 15-20 मिनट, और मिट्टी जो है इस जगह पे खेला करती थी और हम लोग यहाँ बैठे रहते थे, नीचे फाउंटेन देखते थे, पानी टच करते थे। तो मे भी शायद इसे याद हो कि इसी वाले गली में फाउंटेन है और यहाँ हम लोग बैठते थे। आई डोंट नो, अब तो बच्चा का दिमाग बच्चा ही जाने। मैंने रास्ता याद रखने के बारे में बोला था, मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है क्योंकि इधर से सीधा है हमारा घर, बट ये इधर जाना ही नहीं चाह रही है। चलो उधर, चलो घर, चलो 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 चलो, ये जा रही है पलट के वापस। इसे मैं समझ गई, इसे पता है कि किधर घर है और किधर घूमने की जगह है। वो उस तरफ जा ही नहीं रही है, जबकि बाकी किसी भी बिल्डिंग में घुस रही थी, जबरदस्ती में खींच खींच के निकाल रही थी, लेकिन इधर बहुत देर से घूम रहे हैं। और इधर वाले बिल्डिंग में तो ये बिल्कुल नहीं आना चाह रही है। इसे पता है कि इधर जो बिल्डिंग है ये हमारे घर पर है, तो इसलिए मुझे अब इसे उठा के ले जाना पड़ रहा है। बहुत आज घूमी है, बहुत, रोज 10 मिनट घुमाती हूँ, आज आधे घंटे से ज़्यादा हो गया क्योंकि आज मैंने इसे फ्री छोड़ दिया था कि कहाँ कहाँ घूमती हो। हम लोग आ गए हैं, थप थप गिरती रहती। अब आ गए हैं, अब क्या जूते निकाल रही हो तुम? मिठी आ चुकी है घर ना? तभी लिफ्ट के बाहर एक डॉगी मिला था, मैंने मेरी नज़र एक सेकंड के लिए बस हटा है और वो डॉगी जो है इसके क्लोज आ गया था। उसने भी एक तरह से मतलब ऐसे जंप सा लगाया, जंप मतलब ऐसा नहीं कि बहुत क्या कहते हैं उसे एग्रेसिव होकर के, और ये तो खुश होती है डॉगी देखकर। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया हुआ ना, मैं नीचे घूमने जब जाती हूँ बहुत सारे डॉगी रहते हैं, आज तो कुछ ज़्यादा ही थे क्योंकि ये टहलने वाले टाइम पे मैं चली गई थी। तो जैसे जितने भी एडल्ट्स घूमते रहते हैं, मैं इतना टहलती हूँ, कभी कोई डॉगी मेरी तरफ नहीं आता है, लेकिन जितने भी किसी भी ब्रीड का डॉगी हो ना, वो बच्चे मतलब इसके तरफ ज़रूर एक बार अट्रैक्ट होता है, देखता है, पलटता है, उनके कान खड़े हो जाते हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, शायद बच्चों में डॉगी का भी इंटरेस्ट होता होगा। तो ये मैडम तो बहुत खुश होती है डॉगी देखकर। अभी मैं डर गई थी बिल्कुल, मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई थी, बट ये खुश हो रही थी, हंस रही थी। लगा, मज़ा आया? हेलो एवरीवन, मुझे आदत हो गई है हर बात में हेलो एवरीवन बोलने का। तो अभी जो है ना बज रहे हैं रात के 12:30 और मेरे फेस पे आपको मेकअप दिख रहा होगा। तो मैंने अभी शाम को हॉल वीडियो शूट किया था और आज इतना पैक्ड शेड्यूल था ना मेरा, मतलब उसमें भी टाइम लग गया। फिर खाना वाना बना लिया था, मिठी को नीचे घुमाने ले जाना, फिर वहाँ से आना, एक्सरसाइज और ये सब चीज़ करते करते काफ़ी लेट हो गया है। 11 बजे तो खाना ख़त्म किए हैं, उसके बाद मिठी को सुलाते सुलाते ही काफ़ी टाइम लग गया। एक्चुअली क्या है ना कि अब मैं ना उसे
ब्रेस्ट फीड जो है वो स्टॉप करने का प्रोसेस जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको उसका जो टाइमिंग है ना वो मैंने जैसे मैं 15 मिनट 20 मिनट पीती थी वो, तो मैंने 5 मिनट के आस अराउंड कर दिया है। उसके बाद वो ऐसे करवटें लेते लेते खेलते खेलते रहती है, कुछ कुछ बोलते रहती है, ऐसे करते करते ना वो सो जाती है। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, अब कैसे क्या होता है मुझे नहीं पता, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, क्या होता है आगे चलकर। तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो उसको सोते सोते काफ़ी टाइम लग गया। तो अब वो उस समय वो सोने के लिए रोने लगी थी, तो मैंने मेकअप नहीं निकाला, मैं आ गई ऐसे ही। तो अब मेकअप निकाल करके अब जाऊंगी सोने, और अभी भी मुझे टाइम लगने वाला है क्योंकि कल सुबह के लिए ना कोई भी सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है फ्रिज में, और भी एक दो चीज़ें हैं जो हैं अर्जेंट वाली मुझे लेनी है, तो मुझे अभी बिग बास्केट में ऑर्डर करना पड़ेगा ताकि कल मुझे मॉर्निंग मिल जाए। नहीं तो फिर देखना पड़ेगा क्या बनाना है, राजमा वाजमा कुछ ऐसे डालना पड़ेगा। तो मैं अभी वो ऑर्डर करूँगी, उसमें भी मुझे कुछ टाइम जाएगा, तो मैं मेकअप निकालती हूँ। चलिए तो फिर मैं इस वीडियो करती हूँ यहाँ पर एंड, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।